आज कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जियो का रॉक्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स में आप लोगों ने क्या क्या सीखना है। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल एबल टू डिफाइन रॉक्स एलिमेंट्स एंड मिनरल्स, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन, डिस्क्राइब इग्नियस रॉक्स एंड देयर टाइप्स, डिस्क्राइब सेडिमेंट्री रॉक्स एंड देयर टाइप्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैकेनिकली केमिकली एंड ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स, डिस्क्राइब मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड देयर टाइप्स, लिस्ट द इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस रॉक ग्रुप्स, आइडेंटिफाई रॉक्स इन देयर लोकल एरियाज। ये सारा कुछ आप लोगों ने सीखना है ये चैप्टर स्टडी करने के बाद। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट में आपका इंट्रोडक्शन में है, इफ़ वी हैव अ लुक ऑन अवर डेली लाइफ वी सी डैट वी यूज मैनी थिंग्स विच आर सॉलिड, फॉर एग्जाम्पल साल्ट, लाइमस्टोन, स्लेट, चाक, मार्बल, दीज आर रॉक्स फॉर्म्ड इन द अर्थ। लिथोस्फेयर इज फॉर्म्ड बाय दीज मिनरल्स एंड एलिमेंट्स। इस पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया गया है कि हम अगर अपनी लाइफ की तरफ, रोज़मर्रा जिंदगी की तरफ देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सॉलिड फॉर्म में हैं। ठीक है, उनमें कौन कौन से उन्होंने एग्जांपल दिए हैं, लाइमस्टोन की दी हुई है, चाक की दी हुई है, जो मार्बल घरों में यूज़ होता है उसकी दी हुई है, चाक जो बोर्ड पर लिखने के लिए यूज़ होता है, ये सारी क्या हैं, रॉक्स हैं, जो लिथोस्फेयर जो है ये इन मिनरल्स और एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। ओके, एलिमेंट्स, एंड एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की। ऑल थिंग्स फाउंड ऑन अर्थ आर मेड ऑफ एलिमेंट। जितनी भी चीज़ें जो ज़मीन पर पाई जाती हैं वो किस से मिलकर बनी हुई हैं, एलिमेंट्स से। मिनरल्स आर वाइटल रिसोर्सेज फाउंड इन द अर्थ। मिनरल्स जो हैं वो वाइटल रिसोर्स हैं जो अर्थ ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं। ह्यूमन बींग्स यूज दीज रिसोर्सेज, कोल, पेट्रोलियम, साल्ट, आयरन एक्सेट्रा। ये सारे रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है कि जो हमारी व्हीकल्स चल रही हैं, जितनी भी व्हीकल चल रही हैं वो पेट्रोलियम पे चल रही हैं। खाना पकाने के लिए भी हम इन मिनरल्स का यूज़ करते हैं। फॉर देयर बेनिफिट्स दीज आर कंप्राइज ऑफ डिफरेंट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उसमें ऑक्सीजन आ जाता है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, आयरन, कैल्शियम, ये सारी क्या हैं, इनऑर्गेनिक है। दो तरह के होते हैं ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक की एग्जाम्पल देखिए, रॉक्स इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर मिनरल्स। रॉक क्या है, किसका कंबिनेशन है, दो या दो से ज़्यादा मिनरल्स कंबाइन होते हैं तो उसके नतीजे में रॉक्स प्रोड्यूस होती हैं। लिथोस्फीयर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, सम ऑफ विच आर सॉफ्ट लाइक शेल एंड सम आर हार्ड लाइक डायमंड्स। कुछ बहुत सॉफ्ट फॉर्म में होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म में हैं जैसे कि डायमंड। इन सम रॉक्स क्रिस्टल्स आर फाउंड एंड इन सम फॉसल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुछ रॉक्स जो हैं वो उसमें क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिनमें फॉसल्स कहते हैं डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो सदियों पहले जो एनिमल्स से या प्लांट्स से जिनकी डेथ हो गई थी तो उनके जो पार्ट्स बच गए हैं उनको हम फॉसल्स का नाम देते हैं। सम रॉक्स अब्सॉर्ब वाटर एंड सम डू नॉट। कुछ रॉक्स ऐसी हैं जो अब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, कुछ ऐसी हैं जो नहीं अब्जॉर्ब करती। दीज डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स आर डिपेंडेंट अपॉन द वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज रॉक्स। ये जो डिफरेंट करेक्टर्स हैं रॉक्स के वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, जिस तरीके से, जिस मेथड से वो चीज़ बन रही है उस पे डिपेंड कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ रॉक्स देखते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तीन टाइप्स हैं, कौन कौन सी, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। सबसे पहले हम देखते हैं इग्नियस रॉक्स। गोइंग इनटू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ द टेम्परेचर इंक्रीजेज, इन सेंटर द टेम्परेचर इज एस्टिमेटेड टू बी 5000 सेंटीग्रेड। अगर हम ज़मीन के अंदरूनी हिस्से की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जो टेम्परेचर एस्टिमेट सेंटर में किया जाता है वो 5000 सेंटीग्रेड है। ड्यू टू दिस हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर द मिनरल्स मेल्ट एंड अ थिक इग्नियस मैटर मैग्मा इज फॉर्म,
क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रेंज है, तो जो मिनरल्स होती हैं वो मेल्ट हो जाते हैं. मेल्ट का मतलब होता है पिघल जाती हैं. ठीक, इग्नियस मैटर मैग्मा मैग्मा फॉर्म होता है. द मैग्मा व्हेन कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब जो मैग्मा है वो लावा, व्हेन कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब जमीन पे आता है इसको हम लावा कहते हैं. मैग्मा कहते हैं जो पिघली हुई सूरत होती है उसका हम मैग्मा का नाम देते हैं. इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म बाय दिस मोल्टन मैटर व्हेन इट इज सॉलिडिफाइड एट द एंड आर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. इग्नियस रॉक उस टाइम प्रोड्यूस होते हैं जब जो मोल्टन मैटर था वो सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब ठंडा होने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में चला जाता है. तो उसके बाद जो फॉर्म आती है उसको हम इग्नियस रॉक्स का नाम देते हैं. ये ठंडा ज़मीन के ऊपर आने के बाद भी हो सकते हैं या ज़मीन के नीचे भी हो सकते हैं. द वर्ड इग्नियस इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड इग्नियस विच मीन्स फायर. जो वर्ड इग्नियस है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसे फायर कहते हैं. ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है. पूछ सकते हैं आपके पास MCQs में आ सकता है कि इग्नियस वर्ड जो है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है, तो आप बताएंगे ये लैटिन वर्ड है इग्नियस से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब होता है फायर. टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. मोल्टन मैटर मूव्स अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ. मोल्टन मैटर जमीन के अंदर जाता है. दिस मोल्टन मैटर सॉलिडिफाई एट द डीप इन साइड द अर्थ आर नियर इट्स सर्फेस. वह ज़्यादा नीचे जाके भी हो सकता है या सर्फेस के करीब भी. Sometimes on the surface of the earth, according to their formation, there are two types of igneous rocks. अब आगे उनके बनने की वजूहत की बिना पर igneous rocks की further two types हैं. कौन कौन सी? Intrusive igneous rocks, extrusive igneous rocks. यहाँ पे ये igneous rocks के बारे में दिखाया गया है कि जो ज़मीन जो अंदर ज़मीन के अंदर हो रही हैं प्रोड्यूस हो रही है रॉक्स उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं. जो लावा ज़मीन के ऊपर आ जाता है फिर ठंडा होता है तो उसके नतीजे में जो इग्नियस रॉक्स प्रोड्यूस होते हैं उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. व्हेन द मोल्टन मैटर सॉलिडिफाइड डीप इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ द रॉक्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. जो मोल्टन मैटर है वो ज़मीन के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाए तो उसको हम किसका नाम देंगे? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का. द रॉक थस फॉर्म्स आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. दे आर कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक्स. इनको प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं. इनके एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट, ड्यूराइड, गैब्रो आर एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. इनसाइड द अर्थ द मोल्टन मैटर सॉलिडिफाई वेरी स्लोली. जो ज़मीन के अंदर ये मैटर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है वो प्रोसेस बहुत स्लो होता है. सो द क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड इन दीज रॉक्स. इस वजह से इस तरह के जो रॉक्स होते हैं उसमें क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं. Extrusive igneous rocks. When the molten matter comes on the surface of the earth and solidified, the rocks thus formed are called extrusive igneous rocks. जब molten matter ज़मीन के ऊपर आ जाता है फिर ठंडा होता है तो इस तरह की rocks को extrusive igneous rocks कहते हैं. The molten matter can come on the surface of the earth either through a volcano or from a cracks. ये volcanic eruption के ज़रिए भी ज़मीन पर आ सकता है या ज़मीन पर cracks की मौजूद में भी की सूरत में भी ज़मीन पर आ जाता है. And falls in the earth surface. Basalt and obsidian are example of extrusive igneous rock. On the surface of the earth, the molten matter solidify quickly. ज़मीन के ऊपर ये molten matter बहुत तेज़ी से ठंडा होता है. That's why crystals are not formed in the rock. इसी वजह से crystals नहीं बनते. If formed are too small to be seen. अगर बनते भी हैं तो इतने small होते हैं कि crystals नज़र नहीं आ सकते. In Pakistan, igneous rocks are found in the areas of Hazara and Balochistan. पाकिस्तान में जो igneous rocks पाई गई हैं वो कौन कौन से मुकाम पे हैं? दो मुकाम हज़ारा और बलूचिस्तान का जिक्र किया गया. ये वाला भी आप अंडरलाइन कर लें. Characteristics of igneous rocks. Igneous rocks are formed in the beginning. That's why these are also called primary rocks. क्योंकि ये शुरू में ही बन जाती हैं तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक्स. क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड इन दीज रॉक. क्रिस्टल भी बनते हैं. दे आर नो लेयर्स इन दीज रॉक्स. इन रॉक्स में लेयर्स नहीं बनती. दीज रॉक्स आर हार्ड. ये सख्त होती हैं. फॉसल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नॉट फाउंड इन दीज रॉक्स. जो फॉसल्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स जो हमने पीछे डिस्कस किया था रॉक्स में वो यहाँ पे नहीं बनते. कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द ग्रेनाइट एंड ओशन फ्लोर्स आर फॉर्म्ड बाय द बेसाल्ट. इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, मस्ट रीड किया करें क्लास.
नेक्स्ट आपका टॉपिक है सेडिमेंट्री रॉक्स. द रॉक्स फॉर्म नियर आर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर वेदर्ड आर एरोडेड इनटू सेडिमेंट्स बाय सोलर हीट रेन विंड रिवर आर ग्लेशियर. सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू फार ऑफ प्लेसेस एंड डिपॉजिट लेयर बाय लेयर. These layers fix together firmly with the passage of time and a rock formed which is called sedimentary rocks. Sedimentary rocks किन किन चीज़ों की हेल्प से बनती हैं कि सोलर हीट रेन विंड रिवर ग्लेशियर के ये जो ज़मीन पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती रहती हैं फिर वो ले आते हैं एक दूसरे चढ़ती रहती हैं उसके नतीजे में जो रॉक्स प्रोड्यूस होती हैं उसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक्स की तीन टाइप्स हैं कौन कौन सी मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स ऑर्गेनिक रॉक्स. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स. विंड रिवर एंड ग्लेशियर्स अरोड द रॉक्स इन डिफरेंट स्टाइल ट्रांसपोर्ट द सेडिमेंट्स एंड डिपॉजिट दैम इन लेयर्ड फॉर्म. ये मैकेनिकली फॉर्म रॉक्स हैं वो किन की सूरत में बनती हैं विंड की मदद से बनती हैं रिवर की मदद से बनती हैं. उसके अलावा हमारे पास ग्लेशियर्स जब ग्लेशियर्स में तोड़ फोड़ होती है तो उसके नतीजे में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है तो इन नतीजों में जो रॉक्स बनती हैं उसको हम क्या कहते हैं मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक. दीज रॉक फॉर्म बाय द लेयर्स आर कॉल्ड मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स. सैंडस्टोन शेल एंड कंग्लोमेरेट आर एग्जाम्पल ऑफ mechanically formed rocks. In Pakistan, these rocks are found in northern areas and Pothohar plateau. Pakistan में जो rocks इन इलाकों में पाई जाती हैं ये underline कर लीजिएगा. Next हमारे पास है chemically formed rocks. There are different types of dissolved salt in the water found on the surface of earth. When these water evaporates, जब वो पानी बुखारात बन के उठ जाता है it leaves behind layers of salts. जब वो पानी बुखारात बन के उठ जाता है तो उसके नतीजे में क्या बनती हैं लेयर्स ऑफ साल्ट बनती हैं. दी रॉक्स फॉर्म्ड बाय दीज लेयर्स आर कॉल्ड केमिकली फॉर्म्ड रॉक. इसके नतीजे में जो रॉक्स प्रोड्यूस होती हैं उसको हम क्या कह नाम देते हैं केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स. रॉक साल्ट जिप्सम डोलोमाइट आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स. ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट आपका है ऑर्गेनिक रॉक्स. ऑर्गेनिक रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स से प्रोड्यूस होने वाली रॉक्स हैं. कैल्शियम कार्बन आर अबंडेंटली फाउंड इन रॉक्स इन दीज रॉक्स. कैल्शियम और कार्बन जो हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं. दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑन द ओशन फ्लोर्स एज वेल एज ऑन लैंड. ये ओशन के फ्लोर्स पर भी पाई जाती हैं उसके अलावा ये ज़मीन पर भी मौजूद होती हैं. इफ़ द फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन अबंडेंस अगर डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो ला तादाद अबंडेंस का मतलब होता है ज़्यादा तादाद में मौजूद हो देन दीज रॉक्स आर कॉल्ड कैल्केरियस रॉक्स. तो इन रॉक्स को किस क्या नाम देते हैं कैल्केरियस रॉक्स का. कैल्शियम इज अबंडेंटली फाइंड इन दीज रॉक. कैल्शियम जो होता है इन रॉक्स में ज़्यादा मकदार में पाया जाता है. लाइमस्टोन एंड कोरल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ कैल्केरियस रॉक्स. इफ़ द फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन अबंडेंस. अब पहले हमने फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स डिस्कस किया था अब अगर फॉसिल्स ऑफ प्लांट जो हैं वो ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं. दीज आर कार्बोनेशियस रॉक्स. कार्बन इज अबंडेंटली फाउंड इन दीज रॉक. कार्बन ज़्यादा मकदार में पाया जाता है. पीट इज़ अ कार्बोनेशियस रॉक. इन पाकिस्तान दीज रॉक्स आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ साल्ट रेंज नॉर्दर्न बलोचिस्तान एंड साउदर्न सिंध. नेक्स्ट है हमारे पास characteristics of sedimentary rocks. The outer surface of the earth is formed mostly of sedimentary rocks. जो हमारी ज़मीन की outer surface है वो ज़्यादातर sedimentary rocks से मिलकर बनी हुई है. These rocks are identified easily because of their layered form. ये ज़्यादा आसानी से हम identify कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं क्योंकि ये layered की सूरत में होती हैं. These rocks are mostly used in construction work. ये construction में use होती हैं. Fossils of animals and plants are found in these rocks. प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल्स पाए जाते हैं रॉक्स में. दीज रॉक्स आर कंपैरेटिवली लेस हार्ड. ये अगर कंपैरिजन किया जाए इग्नियस रॉक्स से तो ये कम हार्ड होती हैं कम सख्त होती हैं. मेटामॉर्फिक रॉक्स. दी रॉक्स फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर वेदर्ड एंड एरोडेड वाइल द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड आर बरीड अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर चेंज. ये रॉक्स सर्फेस ऑफ द अर्थ पे प्रोड्यूस होती हैं वेदरिंग और एरोजन के जरिए लेकिन ये ज़मीन के अंदर बरीड होती हैं तो इन रॉक्स को दीज रॉक्स
दीज चेंज रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये जो इन इस चेंजिंग के जरिए जो रॉक्स प्रोड्यूस होती हैं उसको क्या नाम देते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। देयर आर टू मेन रीजंस ऑफ दिस चेंजिंग, दो मेन वजूहत हैं, कौन कौन सी, टेम्परेचर और प्रेशर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रीजन, इनकी रीजंस के ऊपर भी मेटामॉर्फिक रॉक्स की फर्दर टाइप्स हैं, कौन कौन सी, रॉक्स फॉर्म बाय थर्मल मेटामॉर्फिज्म, जो थर्मल मेटामॉर्फिज्म से रॉक्स प्रोड्यूस होते हैं, रॉक्स फॉर्म बाय रीजनल मेटामॉर्फिज्म। एक तो थर्मल के जरिए जो टेम्परेचर के जरिए रिलेटेड होगी, दूसरी कौन सी है, रीजनल मेटामॉर्फिज्म। सबसे पहले हम देखते हैं रॉक्स फॉर्म बाय थर्मल मेटामॉर्फिज्म। हैव यू एवर सीन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रिक्स, आप लोग में से किसी ने जो ईंटें बनती हैं वो बनने वाला प्रोसेस किसी ने देखा है, भट्टी में किस तरीके से ईंटें बनती हैं। ब्रिक्स आर मेड बाय क्ले, वो मिट्टी से बनती हैं, देन पास इन द क्लीन अंडर फायर, फिर उन्हें भट्ठे में डाल दिया जाता है आग में पकने के लिए। टू चेंज अकर इन द ब्रिक्स बाय दिस प्रोसेस, दो चेंजेस होती हैं ब्रिक्स में, द कलर ऑफ द ब्रिक्स चेंज एंड टीनी सेडिमेंट बिगेन टू शाइन, कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है और जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स होते हैं वो चमकने लग जाते हैं। द ब्रिक गेट हार्ड एंड कम्पैक्ट, ये ब्रिक जो होती हैं वो सख्त होना शुरू कर देती हैं। क्ले टेंसाइल आर मेड इन द सेम वे, इस तरह जो मिट्टी से बनते बन मिट्टी के बर्तन बनते हैं वो भी इसी प्रोसेस से बनते हैं। सम सेम चेंज अकर इन द रॉक बाय हीट, ये सेम प्रोसेस होता है रॉक के साथ। द मोल्टन मैटर मूव्स बीनीथ द अर्थ, जो मोल्टन मैटर होता है वो जमीन के अंदर मूव कर जाता है। व्हेन इट मूव इनसाइड अर्थ पास नियर आर ओवर अ रॉक चेंजेस इट्स कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर एंड अ न्यू रॉक इज फॉर्म, जब जो मोल्टन मैग्मा होता है वो जमीन के अंदर मूव करता है तो फिर उस वहाँ पर टेम्परेचर की शिद्दत की वजह से उसमें चेंजेस होती हैं, तो उसके नतीजे में जो चेंजेस के नतीजे में जो स्ट्रक्चर और कंपोजिशन प्रोड्यूस होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मल मेटामॉर्फिज्म, और जो रॉक्स बनेंगी उसको कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म बाय द अल्टरनेशन ऑफ लाइमस्टोन, अल्टरनेशन ऑफ लाइमस्टोन और सेडिमेंट्री रॉक, ये सेडिमेंट्री रॉक के जरिए मल्टीमेटर की सूरत में प्रोड्यूस होता है। सैंडस्टोन और सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू क्वार्ट्जाइट, लाइमस्टोन इज यूज कॉमनली वाइट वॉश इन द हाउस वाइल मार्बल इज यूज इन कंस्ट्रक्शन ड्यूरेबिलिटी एंड ब्यूटी। लाइमस्टोन जो चूने के पत्थर कहते हैं जिसे, ये आपको जो चूना करवाते हैं हम लोग घरों में, वाइट वॉश इंग्लिश में कहते हैं, उसमें यूज़ होता है। उसके अलावा मार्बल जो है वो हम कंस्ट्रक्शन में खूबसूरती बढ़ाने के लिए घरों की यूज़ करते हैं। इन पाकिस्तान मार्बल इज़ फाउंड इन द एरिया ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान, रॉक्स फॉर्म्ड बाय रीजनल मेटामॉर्फिज्म। रीजनल मेटामॉर्फिज्म देखते हैं, द इंटरनल प्रोसेस ऑफ इंटरनल फोर्सेज ऑफ द अर्थ, अर्थक्वेक्स एंड माउंटेन बिल्डिंग फोर्स कॉज आर रॉक टू सिंक इनसाइड द अर्थ, जो अंदरूनी फोर्सेस होती हैं ज़मीन की अर्थक्वेक्स से या माउंटेन की बिल्डिंग में जो फोर्सेस यूज होती हैं वो क्या करती हैं, रॉक्स को कि वो दब जाती हैं ज़मीन के अंदर। इन दिस प्रोसेस दे बिकम हार्ड एंड कम्पैक्ट ड्यू टू द प्रेशर एंड वेट ऑफ ओवरलेइंग रॉक, वो क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर हो आ रहा होता है माउंटेन्स वगैरह का, उसके नतीजे में वो दब जाती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनल मेटामॉर्फिज्म। शेल आ सेडिमेंट्री रॉक आफ्टर बींग चेंज टर्न्स इनटू स्लेट, सेडिमेंट्री रॉक है जो चेंज हो जाती है स्लेट में, स्लेट आ मेटामॉर्फिक रॉक फर्दर ट्रांसफॉर्म इनटू स्टाइस्ट। इन पाकिस्तान स्लेट रॉक्स आर फाउंड इन एरियाज ऑफ एबटाबाद एंड क्वान, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स देखते हैं, द रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द अल्टरनेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, ये अल्टरनेशन से प्रोड्यूस होती हैं, जो पहले से चीज़ मौजूद हो उसमें थोड़ी सी अल्टरनेशन हो तो न्यू जो बनती है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाती है। दीज आर मोर स्मूथ एंड शाइनिंग, ये ज़्यादा स्मूथ और शाइनी होती हैं। दीज रॉक्स आर मोर हार्ड एंड कम्पैक्ट, ये ज़्यादा सख्त होती हैं। फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नॉट फाउंड इन दी रॉक्स, इन रॉक्स में भी फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स नहीं पाए जाते, वो सिर्फ ऑर्गेनिक रॉक्स में पाए जाते हैं, बाकी मेटामॉर्फिक रॉक्स या इग्नियस रॉक्स में नहीं पाए जाते फॉसिल्स। ठीक है क्लास, जहाँ तक हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4 रॉक्स, जो कि कम्प्लीट हो गई है इसकी रीडिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।